दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की जांच जारी है। इस पड़ताल के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अब तक की जांच में दंगों का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसका नाम है अंसार। कल हमने आपको पत्थरबाज अंसार की अकड़ दिखाई और कल दंगों का ये खलनायक पुलिस की गिरफ्त में भी फिल्म पुष्पा के नायक की तरह अकड़ दिखा रहा था, फिल्मी स्टाइल दिखा रहा था। और वो अब इसका वो संसार सामने आया है जो पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया देगा। गले में मोटी सोने की चेन, उंगलियों में सोने की अंगूठी, 1, 2, 3, 4, 5। कलाई पर महंगी ब्रेसलेट, नोटों की गड्डी का दिखावा, 2000 के एक नहीं 11 नोट, महंगी कार, शराब का शौकीन, हाथों में लहराती बंदूक, ये तस्वीरें भर नहीं, ये पत्थरबाज पुष्पा यानी अंसार की मायावी दुनिया है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। झुग्गी में जन्मा, आर्थिक तंगी की वजह से चौथी क्लास में पढ़ाई छूट गई, कबाड़ के धंधे में आया, लेकिन अपराध की दुनिया में कदम रखा तो मानो दौलत कदम चूमने लगी। दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड कहे जा रहे अंसार का सच यही बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो अंसार ही है जिसने 16 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उपद्रवियों की अगुवाई की। अंसार की रिमांड कॉपी के पेज नंबर 3 में यह साफ लिखा है कि जुलूस में 400-500 लोग शामिल थे। जुलूस पहले शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही थी। करीब शाम 6 बजे अंसार 4-5 लोगों के साथ आया और जुलूस में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहसबाजी देखते देखते पथराव और भगदड़ में बदल गई। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की लेकिन पत्थरबाजी और नारेबाजी ने हालात बेकाबू बना दिए। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक हिंसा भड़काने का आरोपी अंसार ही है और अब जांच में अंसार का चेहरा और उसकी जिंदगी की हर परत बेपर्दा होने लगी है। दिल्ली पुलिस ने अपराध की दुनिया से अंसार के रिश्ते का जो खुलासा किया है उससे हर कोई दंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंका रही है ये तस्वीरें जो अंसार के लाइफस्टाइल और उसके शौक को सामने ला रही है। बताया जा रहा है कि अंसार ने करीब 12 साल पहले पश्चिम बंगाल के हल्दिया से दिल्ली आकर कबाड़ का धंधा शुरू किया। अंसार को फोटो खिंचवाने का शौक है, चाहे स्कूटर पर एक हाथ में पुराने नोट और दूसरे में मोबाइल फोन लेकर बैठा हो या फिर रात के अंधेरे में बंदूक थामे मुस्कुराता चेहरा। शराब की महफिल में छलकता जाम हो या गले में सोने की मोटी चेन और उंगलियों में सोने की अंगूठियां, चाहे फिर BMW कार पर पैर रखकर खिंचवाई गई ये फोटो हो, हर तस्वीर में अंसार की पर्सनालिटी की झलक है। हर तस्वीर में अंसार की एक अलग तरह की ही दबंगई है, ठीक वैसी ही दबंगई, ठीक वैसी ही अकल जो कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाए जाते रहे अंसार ने दिखाई। इस कबाड़ कारोबारी पर जब जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने का आरोप लगा तो पुलिस ने शिकंजा कस दिया, लेकिन जब पुलिस इसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई तो ये मुस्कुरा रहा था। चेहरे पर पछतावा नहीं था बल्कि फिल्म पुष्पा के नायक के अंदाज में इसने अपने चेहरे पर 2 बार हाथ घुमाया। बेशर्मी ऐसी कि जब सवाल पूछा गया तो कहने लगा, मैं कसूरवार हूँ। बताया जा रहा है कि अंसार की ऐसी धमक इलाके में भी है। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में रहने वाले अंसार का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अंसार पर अवैध पार्किंग से उगाही, सट्टेबाजी, नशे का काला कारोबार करने का आरोप है और दावा है कि हर महीने वो लाखों रुपए की काली कमाई करता है। बड़ी बात ये है कि जैसे जैसे उसके अपराध का ग्राफ बढ़ता गया वैसे वैसे इलाके में उसकी दादागिरी भी बढ़ती चली गई। कभी बंदूक के साथ तो कभी नोटों के बंडल के साथ, कभी दोस्तों के साथ जाम छलकाते हुए तो कभी सोने को लेकर अपना प्रेम दिखाते हुए। तस्वीरें कही हैं जो अंसार के बारे में काफ़ी कुछ बताती है, लेकिन करीब 12 साल पहले जिस अंसार ने पेट पालने के लिए बंगाल से दिल्ली का रुख किया, उसने कबाड़ के धंधे से अकूत संपत्ति बनाई। कैसे उसने जहांगीरपुरी में 5 मंजिला इमारत खड़ी कर डाली,
ये सबको हैरान करता है। लेकिन अंसार के महंगे शौक बताते हैं कि उसने पिछले एक दशक में जो कुछ हासिल किया वो सामान्य तरीके से करना शायद मुमकिन ना हो। बताया जा रहा है कि अंसार आर्म्स एक्ट और मारपीट के केस में जेल की हवा पहले भी खा चुका है। अंसार की क्राइम कुंडली खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पुलिस से संपर्क साधा है। यानी दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी कर चुकी है इस पत्थरबाज पुष्पा की अकड़ ढीली करने की। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली पुलिस ने अंसार का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने रख दिया है। अंसार पुलिस के डॉजियर के मुताबिक 40 साल का शख्स है और 2009 में इसके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अंसार के पास से 4 चाकू भी बरामद किए। साल 2011 से 2019 के बीच गैम्बलिंग एक्ट में 3 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हुए हैं। साल 2013 में इसके ऊपर छेड़छाड़, मारपीट और धमकाने के आरोप में भी केस दर्ज हुए। इसके अलावा जुलाई 2018 में सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा डालने और इस अन्य केस इसके ऊपर दर्ज हुए। अंसार पर अवैध पार्किंग से उगाही, शराब के अवैध कारोबार और सट्टेबाजी का रैकेट चलाने का भी आरोप है। यानी इसकी कुंडली अगर बात की जाए तो अपराध की कुंडली काफी बड़ी है और उसको लेकर पुलिस अब सारे एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली के जहांगीरपुर हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि अंसार के तार बीजेपी नेताओं से जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें अंसार को बीजेपी नेता के साथ दिखाया गया। आतिशी ने आरोप लगाया कि ये दंगा खुद बीजेपी ने ही करवाया है, तो वहीं बीजेपी भी फोटो जारी कर अंसार का आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन साबित करना चाहती है। तो ये दो तस्वीरें, सियासी घमासान छिड़ा है अंसार को लेकर। अंसार जिसे कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और बीजेपी दावा कर रही है कि अंसार आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इस दंगे के 5 आरोपियों के ऊपर गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनएसए लगाया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है 5 लोगों पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक इलाके में जिस तरह से हिंसा की गई, इसके 5 आरोपियों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया है। इसके तहत जांच के लिए विशेष अधिकार होते हैं एजेंसियों के पास। गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है, गृह मंत्रालय लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और गृह मंत्री की ओर से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को जानकारी ये कहा गया था कि किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। संवाददाता मनीष शुक्ला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, 5 अपराधियों पर, 5 लोगों पर एनएसए लगाया गया है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कल गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की थी और ये कहा था कि जो भी राइटर्स हैं, जो भी दंगाई हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और दिल्ली पुलिस ने आज भी और कल शाम को भी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किए गए थे उसकी जानकारी दी थी गृह मंत्रालय को और ये बताया था कि किस तरीके से कौन कौन रायट्स में शामिल थे, किन्होंने दंगा करने की साजिश रची थी। और उसके बाद से जो होम मिनिस्ट्री का डायरेक्शन था, इसके बाद से 5 जो इसमें रायटर्स जो एक्यूज किए गए हैं उनके क्राइम को देखते हुए जैसे उनके ऊपर लगा दी गई है। हालांकि हम लगातार नाम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से गृह मंत्रालय का इंस्ट्रक्शन था उसके बाद से लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है और हो सकता है कि कुछ और जो एक्यूज हैं उनके ऊपर भी एनएसए लगाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है गृह मंत्रालय की ओर से, बड़ी इस वक्त की खबर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ लड़के दंगे वाले दिन यानी 16 अप्रैल से पहले रात के अंधेरे में लाठी और डंडे जमा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन लड़कों के साथ कुछ लोगों की हाथापाई भी होती है जिसके बाद वो मौके से भाग जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जहांगीरपुरी में हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी? क्या 36 घंटे पहले ही हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी?
दिल्ली दंगे के लाठी प्लान का वीडियो सबूत। छत्तीस घंटे पहले लिखी गई दंगे की पूरी स्क्रिप्ट। रात के अंधेरे में लाठी डंडे क्यों जुटाए गए? वो दिन था शनिवार और मौका था हनुमान जयंती का, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शाम 6 बजे कोहराम मच गया। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए, तलवार से हमला किया गया और तो और गोली भी चलाई गई। इससे भगदड़ मची, अफरा तफरी मची और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। दिल्ली को हिंसा की आग में झुलसाने की कोशिश करने वालों पर अब पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही। तो इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के भी होश फाख्ता कर दिए। 15 अप्रैल की रात सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में कुछ लड़के नजर आते हैं। ये लड़के सड़क किनारे लाठी डंडे जमा करते दिखते हैं। उस रात जहांगीरपुरी में जब सब चैन की नींद सो रहे थे तो ये 6 लड़के लाठी डंडे जमा कर रहे थे। किसी को कानों कान भनक न लगे इसके लिए ये लड़के गुपचुप तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। लेकिन तभी सड़क के सामने वाले मकान से लड़कों को रोकने की कोशिश होती है, लाठी डंडे जमा करते लड़कों की बहस होती है और इसके बाद उस घर से एक एक कर 3 लोग बाहर आते हैं। ये तीनों लड़कों को टोकते हैं तो कहासुनी होने लगती है। इसके बाद इन लोगों की लाठी डंडे जुटाते लड़कों के साथ हाथापाई होती है और ये लड़कों को वहां से खदेड़ देते हैं। लेकिन इस सीसीटीवी वीडियो में एक और चीज गौर करने वाली है और वो ये कि जो 3 लोग लाठी डंडे जुटाते लड़कों को रोकते हैं उनमें से एक शख्स के हाथों में तलवार थी। वो तलवार दिखाकर लड़कों को डरा रहा था। इस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर शक जताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हुई हिंसा की पटकथा 15 अप्रैल को ही लिखी जा चुकी थी। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर दंगे का प्लान पहले से तैयार कर लिया गया था, लिहाजा पुलिस सीसीटीवी में नजर आ रहे लड़कों की पहचान में जुट गई। वो लड़के कौन थे, कहां से आए थे और किसके कहने पर रात के अंधेरे में लाठी डंडे जमा कर रहे थे? लड़कों के साथ बहस करने वाले लोग कौन थे और जिस शख्स के हाथों में तलवार थी वो कौन था? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास जो कोई किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन या डिजिटल फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड पर लेकर उसकी हम बखूबी डिटेल में जा सकते हैं। वहीं इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई। बीजेपी हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जाहिर कर रही है, तो वहीं बीजेपी के खिलाफ खड़ी पार्टियां इस साजिश में बीजेपी का ही हाथ बता रही। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये सब जो कुछ चल रहा है ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है। लोकल लोग जो हम लोग हैं वो तो दिवाली ईद दशहरा इकट्ठे मनाते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो ये कोशिशें हैं बाहर की ताकतों की कि ये मुल्क में या मुल्क का अक्स खराब हो। जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तब भी इसी तरीके का वाकया दिल्ली में हुआ था और आज एक बार फिर जहांगीरपुरी में हुआ है। इसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। जब देश के अंदर माहौल लगातार ख़राब हो रहा है, जिन लोगों के हाथों में सत्ता है ताकत है वो खुद ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। दिल्ली दंगे में बाहरी तत्वों का क्या किरदार था इसकी पड़ताल चल रही है।
पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा मामले में तमाम कड़ियों को जोड़कर मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद हिंसा की आग कैसे भड़की, आखिर चूक कहां हुई। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हिंसा से जुड़े हुई। इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया है। गुल्ली पर आरोप है कि उसी ने सोनू चिकना को हथियार सप्लाई किया था जिससे उसने फायरिंग की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस के शिकंजे चढ़ा है गुल्ली नाम का शख्स। इसके ऊपर आरोप ये था कि इसी ने हथियार सोनू चिकना को दिया था जिससे उसने फायरिंग की थी और उसका वीडियो बना था। सोनू चिकना को हथियार सप्लाई करने वाले गुल्ली का नाम बार बार सामने आ रहा था जांच में और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीरज, गुल्ली का जिक्र बार बार हो रहा था, गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली कौन है ये शख्स जिसने हथियार सप्लाई किया था? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो कि गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली है उसको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और ये वो बदमाश है जिसने हथियार सप्लाई किया था जो कि फायरिंग की गई थी। अब पुलिस इससे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसने किस किस को हथियार सप्लाई किया था, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुए थे उसमें आपने देखा होगा कि किस कदर जो एक के बाद एक कई राउंड जो है फायर किया जा रहा था। तो उसके बाद पुलिस को तलाश थी इसकी, उसके बाद पुलिस ने रेड करने के बाद में गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया है और क्राइम ब्रांच ने इसको गिरफ्तार किया है और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है और इसका जो पूरा प्रोफाइल है उसको खंगाला जा रहा है और आखिरकार इसका दंगे में क्या रोल था, क्या इसने भी जो है पथराव किया था, तो तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अभी इससे पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, गुल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। यही वो शख्स है जिसने सोनू चिकना को पिस्तौल दी थी। अब ये भी पता लगाया जा रहा है क्या इसने सिर्फ सोनू चिकना को पिस्तौल दी थी या फिर और लोगों को भी हथियार सप्लाई किया था। मकसद साफ था, हिंसा भड़काने का, और गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नीरज गौर, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।